सो गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। और कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अपने अपने घरों में एकदम सुरक्षित होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। सो जस्ट अभी यहाँ पे अभी मैं बनाने जा रही हूँ पालक का पराठा। तो बस पालक को बॉईल कर लिया, इसमें बस 3 मिर्च डाल दी। अपने जितना आप तीखा खाना पसंद करते हो उतना डाल सकते हो। और बस उसको ग्राइंड करके और आटे के साथ इसका डो लगा लेंगे। बस इसमें डालेंगे ऊपर से हींग, थोड़ा सा ज़ीरा और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। आप डालना चाहते हो तो सीजनिंग वगैरह डाल सकते हो, थोड़ा सा लहसुन वगैरह डाल सकते हो अपने टेस्ट का। मैं इसमें लहसुन आज इस बार नहीं डाल रही हूँ। तो बस, और मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक किए बगैर मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और अपना साथ यूं ही बनाए रखिए। हम आपके लिए यूं ही अच्छे अच्छे से ब्लॉग्स लेके आते रहेंगे। तो अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, बहुत ही अच्छी वाली हवा चल रही है। अगर मेरी वॉइस में कोई थोड़ा सा आँच लगे तो बिल्कुल इग्नोर करना उस चीज़ को। और बस अभी यहाँ पे मैं मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, तो थोड़ा सा लेट हो गया था। जैसे भाई अभी देखो मैंने रेडी भी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, जल्दी से मैं नहा के सीधा किचन में आ गई हूँ। मैंने सोचा पहले ब्रेकफास्ट करा देती हूँ, उसके बाद ही कोई और काम करूँगी। तो आप सब एकदम खुश रहिए और इसी तरीके से मेरे साथ में जुड़े रहिए और इन्जॉय करते रहिए हमारी ब्लॉगिंग को। और पता है बहुत सारे आप लोगों में से बहुत ही अच्छे सब्सक्राइबर हैं, सीरियसली, मतलब उनका तो मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। सीरियसली दिल से थैंक यू मैं बोल रही हूँ। बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत लोग बहुत अच्छा अच्छा कमेंट करते हैं, जिनका कमेंट्स पढ़ के ना मन एकदम खुश हो जाता है। और कुछ लोग आते हैं, कुछ ज़्यादा ही प्यार लुटा के चले जाते हैं कभी कभी समटाइम्स वो डाइजेस्ट करने लायक नहीं होता है। तो मतलब इतना भी प्यार मत दिखाया करो यार, आप लोग कभी कभी कुछ ज़्यादा ही प्यार दिखा देते हो। और कुछ लोग बहुत ही परफेक्ट एकदम जो जैसे वीडियोस होते हैं, ब्लॉगिंग्स होती है लाइक, उसी पे डिपेंड कमेंट्स करते हैं। तो मतलब ठीक है, कुछ लोग थोड़ा हटके एक दो कमेंट्स मार के चले जाते हैं, बट कोई नहीं, अपनी अपनी फीलिंग्स हैं जो लोग यहाँ आगे दिखाते हैं। तो बट थोड़ा सा इमोशंस फीलिंग्स को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को दिखाए, बिकॉज हम भी हैं, मेरा परिवार है, मेरा घर है, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे जानने पहचानने वाले लोग हैं, सब लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। सो हमें सबका ध्यान बहुत रखना पड़ता है। आई होप आप सब मेरी इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो बस अभी मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया और जस्ट अभी यहाँ पे मैं करने जा रही हूँ एडिटिंग, और जो कि मुझे आप लोगों तक ब्लॉग्स पहुँचाने होते हैं, तो मुझे जब टाइम मिलता है मैं कर लेती हूँ। तो अभी मेरे पास टाइम है यहाँ पे, तो मैंने सोचा वीडियो को थोड़ा सा एडिट करके अपलोड कर देती हूँ। ज़रूरी नहीं मैं इसी टाइम पे एडिटिंग करूँ, मुझे रात में टाइम मिलता है रात में कर लेती हूँ, दिन में नहीं, रात में नहीं मिल पाता तो दिन में कर लेती हूँ। यार काम पर डिपेंड करता है, क्योंकि मेरे घर में कोई मेड वगैरह तो है नहीं, कोई हाउस हेल्पर नहीं है, सो सारे काम खुद से करने होते हैं। जो भी काम है घर के सब हम खुद संभालते हैं, बच्चा संभालते हैं, घर संभालते हैं, परिवार संभालते हैं, सबको देखते हैं, सो सबको ध्यान में रखते हैं। जब भी अपने लिए टाइम थोड़ा बहुत मिलता है तो फिर हम ये काम कर लेते हैं। तो फिलहाल फटाफट से हम यहाँ पे करते हैं एडिटिंग अभी। एंड एडिटिंग करने के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे कपड़े डालने के लिए, जो कि हमारी डेली के रूटीन में ये भी होता है। बट हम जो भी काम करते हैं यार, हम डेली ब्लॉगिंग आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, तो हम जो भी करते हैं वो हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो बस अभी यहाँ पे फटाफट से कपड़े डाल देते हैं, बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं धुले थे हाँ, बट डेली वेयर के हमारे आरुष के और एक दो कपड़े एक्स्ट्रा, कुछ ना कुछ मतलब दो दो जोड़ी तो निकलते हैं, तो आरुष के भी दो दो हमारे, और बस ऐसे करके होते हैं। तो आज तो बहुत ज़्यादा मैंने कपड़े वॉश नहीं किए यहाँ पे। आ जाओ बना लेते हैं शाम वाली चाय बढ़िया सी, किसको किसको अदरक वाली चाय पीनी है, आ जाओ भैया सबको भैया नहीं, अरे जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, भैया, दीदी, आंटी, अंकल, भाई भाई, सब जो भी बोलो ठीक है ना, मतलब चाचा मामा कोई भी हो, एक्स वाई जेड, आ जाओ सबको चाय पिलाते बढ़िया से। आज हम पता नहीं क्यों मज़े के मूड में बहुत एडिटिंग कर रहे हैं, दैट्स वाई कुछ भी हम आज बोल रहे हैं। तो बढ़िया से हमारी शाम वाली चाय देखो बन के हो गई रेडी। गाइस देखो ये लोग उड़ा रहे हैं पतंग और हम भी चलते हैं लोगों के साथ में। अरे ऊपर ही रोना मार है बेटा, नीचे क्यों आ रहे हो?
तो वेदर काफी अच्छा है, सनसेट होने वाला है। इधर देखिए ये क्या हो रहा है, और आप स्लीपर भी नहीं पहन के आए हो, ऐसे चले आए हो। फिर दोनों पतंगबाज यहाँ पे पतंग उड़ा रहे हैं, हमें तारो मत, हमें भी उड़ा के दे तो हम भी उड़ा ले, हमको तो उड़ानी नहीं आती है। सुन रहे हैं, तोड़ दिया क्या, क्या किया, मैंने क्या कि मैंने क्यों तोड़ा था पतंग आपकी, क्या आपको दिखाते हैं अभी आपको। ये देखो आपको शायद पतंग नजर आ रही हो, कहाँ पे है बेटा, इधर इधर, जूम करके दिखाए। हाँ, इतनी हाइट पे कैसे लेके गए भाई। अरे पापा ले जा रहा था। हाँ? भाई साहब ये देखो कितनी ज्यादा हाइट पे है। तो यहाँ से ये पूरा एलिवेटेड रोड को क्रॉस करके उधर साइड काफी आगे चली गई ना ये, क्यों दिख रही है, जरा गाइड को संभाल के देखना ठीक है। चंदो तुमसे चाहिए, यहाँ पे आरुष ने आज थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया है, पता नहीं मतलब अभी तो कैमरा थोड़ा थोड़ा सा होल्ड करने लगा है, तो मुझे थोड़ी सी हेल्प हो जाती है, कभी कभी ये शूट कर लेता है, मतलब देखता रहता ना माँ करती है इस तरीके से, तो कभी कभी ये शूट कर लेता है। और बहुत टाइम बाद अभी ये 15 अगस्त की जो पतंग बहुत बची हुई रखी थी, मतलब ढेर सारी पतंग आती, क्योंकि राठौर जी बहुत बड़े वाले पतंगबाज हैं, सीरियसली मतलब पतंग उड़ाने में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है। बेटा भी बाप के पद चिन्हों पे चल रहा है, तो वो भी पतंग उड़ाने में बहुत इंटरेस्ट लेता है। तो अभी ये जो 15 अगस्त वाला भूत है ना, मतलब पतंगें रखी हुई घर पे, तो वो भी उतरा नहीं है अभी, वो चढ़ा हुआ है भूत, और पतंगें अभी भी उड़ाई जा रही हैं। तो कहीं सभी हम जा रहे हैं नीचे, तो अभी लगे हाथ उठा लेते हैं यहाँ से कपड़े भी जो सूख चुके हैं, और चलते हैं नीचे। एंड आज के शाम के जो डिनर में बनने वाली है स्पैगेटी, तो चलिए स्पैगेटी बनाते हैं चल के। और वेदर बहुत अच्छा सा रहा, हवा बहुत अच्छी सी चल रही, इस वजह से नीचे जाने का मन नहीं कर रहा, बट जाने तो चलिए फटाफट से चलते और बनाते चल के, डिनर की तैयारी करते चल के साथ साथ में। तो यहाँ पे स्पैगेटी बनाने के लिए वेजीज वगैरह पहले से कट करके रख गए थे, तो बस यहाँ पे कढ़ाई में डाला हमने ऑलिव ऑयल, और उसमें डालेंगे खूब ढेर सारा प्याज, और ढेर सारी सब्जियों के साथ में मैं बनाती हूँ स्पैगेटी वगैरह, जिससे कि वेजीज भी चली जाती हैं, और मतलब कोई नुकसानदायक भी नहीं होती, और थोड़ा सा फास्ट फूड भी मिल जाता है। वेजीज को भी मतलब मैं भर के ही ऐड करती हूँ, तो देखो इसमें खूब सारी मैंने डाली हुई शिमला मिर्च और प्याज, इन सबको थोड़ा थोड़ा सा भून लेंगे, उसके साथ इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी गाजर फाइन चॉप की हुई, इसको पतला पतला सा काटा है, इसको ग्रेट नहीं किया क्योंकि ग्रेट करने के बाद मतलब वो टेस्ट नहीं रह जाता, तो इसको कट किया पतला पतला सा। तो बस इनको थोड़ा थोड़ा सा पका लेंगे, और ये पक्के हो जाएगी रेडी। उसके बाद इसमें जो थोड़े बहुत से सॉसेस मिनिमम ऐड करने होते हैं वो ऐड करें, क्योंकि स्पेशली मैं कोई अलग से इसके लिए मतलब नए मसाले लेके आती हूँ, जो भी घर में होते हैं बस वही डाल देती हूँ, मतलब मिनिमम बेसिक मसाले तो हम लोग रखते हैं। तो इसमें डाल दिया ऑलिव टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट, और थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालेंगे, थोड़ा सा मैगी मसाला डालेंगे क्योंकि और कोई मसाले हैं नहीं, विनेगर वगैरह भी नहीं है, सब खत्म हो चुका है। तो बस इसी के साथ साथ हम बनाएंगे इन्हीं मसालों के साथ बढ़िया से स्पैगेटी, और उसके बाद डाल दी इसमें स्पैगेटी, और थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से मतलब पका लेंगे, क्योंकि स्पैगेटी जो है ना डेल मोंटे की होती है, तो फिर ये टूटती नहीं है, और इसकी लाइफ मतलब काफ़ी हो जाती है, चल जाती है, तो जल्दी ये ब्रेक नहीं होती। तो बस देखो बढ़िया से हमारी स्पैगेटी बन के यहाँ पे हो गई रेडी, तो आइए आप लोग भी खाइए, हम भी खाते हैं बढ़िया से यम्मी यम्मी से। सो गाइस अभी बज के 10:30 के अराउंड का टाइम हो चुका है, और मैं नहाने जा रही हूँ, कपड़े निकाल लिए मैंने, और जाके अभी मैं कर लेती हूँ पहले ब्रश, और बस उसके बाद बस नहाऊंगी, पूरा दिन हो गया साड़ी पहने पहने, बहुत गर्मी है, परेशानी में तो टूथपेस्ट ही नहीं, पूरा इसकी जान ले ली है, तो सोचो निकल आए फिर जाके दूसरा निकाल के लाऊंगा अभी।
निकलेगा, निकल रहा है। कौन कौन मेरी तरह इतना निचोड़ निचोड़ के निकालता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है क्योंकि आलस खा जाता है कौन निकाल के लाए, दस वाइट पीवीसी में जान लिए रहता है ऐसी की। और तो चलिए अब मैं ब्रश वेस करूंगी और यहीं पे लगे आप लोग कैंड करूंगी। आज वापस सो रहे हैं, हमारा डिनर तो आज कुछ ज्यादा स्पेशल वाला ना, ऑलरेडी आपको शेयर कर चुके हैं। सो बाकी कुछ अभी किसी का खाने का मन नहीं कर रहा है, पूछ के आई हूँ कि किसी को और कुछ खाना तो बता दें सबने, पर किसी को कुछ नहीं खाना है। सो अभी ब्लॉग का मैं एंड करूंगी यहीं पे और मैं ब्रश करूंगी, नहाऊंगी, उसके बाद बस आराम से सो जाऊंगी। और गला थोड़ा सा पका हुआ है अभी, पूरी तरीके से ठीक नहीं है। सो होप आप सबको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करके जाना। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फ्रेंड्स और फैमिली तक उसको शेयर भी करना। सब लोग सोच रहे होंगे बाथरूम में किससे बातें कर रही है, ठीक है इधर आप सो रहे, नाइट ऑफ है तो मैं वीडियो नहीं बना सकती हूँ, अंधेरा है पूरी तरीके से। दैट्स फाइन, तो चलिए बाय बाय, गुड नाइट, ठीक है बाय बाय, गुड नाइट, ठीक है, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय।